नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे हैं और मांगे रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा है कि ललित मोदी पीएम नरेंद्र मोदी के मददगार हैं। वरुण गांधी पर लगे आरोप पर कहा है कि बीजेपी के इशारे पर ये ललित मोदी कर रहे हैं और उल जुलूल बयान बीजेपी के इशारे पर दिया जा रहा है। 5 मांगे जो मांगी गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें पहली मांग आपको बता दें, सुषमा बताएं कितनी बार ललित मोदी से मुलाकात हुई है या कितनी बार मिली है। ललित से फोन पर बात का सुषमा ब्यौरा दे। साथ ही हमारी लिखी चिट्ठी सार्वजनिक हो, यानी कि यूपीए सरकार में जो भी चिट्ठी यूके गवर्नमेंट को लिखी गई है उसे सार्वजनिक करने की बात कही है। प्रत्यर्पण संबंधी जो भी चिट्ठी लिखी गई है यूपीए गवर्नमेंट में उसे सार्वजनिक करने की बात कही। मोदी के प्रत्यर्पण के दस्तावेज सार्वजनिक हो, यही मांग की है। और आपको बता दें तो 5 अहम मांगे जो की गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें सुषमा स्वराज से ब्यौरा मांगा गया है कि सुषमा स्वराज ने कितनी बार बातचीत की है या कितनी बार मुलाकात की है। सुषमा ब्रिटिश राजदूत की बात सार्वजनिक हो तो इसके अलावा, और निशाना साधा है मोदी सरकार पर, क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। ईमेल के माध्यम से हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि वो सारे पत्र जो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ललित मोदी के प्रत्यार्पण के लिए, ललित मोदी की आपराधिक गतिविधियों के बारे और ललित मोदी के की मदद के चलते यूके और हिंदुस्तान के संबंधों की खराब होने की संभावना के बारे जो यूनाइटेड किंगडम की सरकार को लिखे थे और जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में उपलब्ध हैं, उनको सार्वजनिक किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि जुलाई 2013 के अंदर जब तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम भारत की कांग्रेस सरकार की ओर से यूके के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबॉर्न से मिले थे, तो और जिसमें उन्होंने मांग की थी कि ना केवल ललित मोदी का प्रत्यार्पण किया जाए पर यूके की सरकार ललित मोदी की मदद ना करे अन्यथा यूके और भारत के संबंध खराब हो जाएंगे, उस मीटिंग की पूरी कार्यवाही लिखित में रिकॉर्ड हुई थी। वो सारी कार्यवाही जो है भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय सार्वजनिक करें। हमारी तीसरी मांग ये है कि श्रीमती सुषमा स्वराज ने ये माना है कि उनकी और सर जेम्स बीवंस जो ब्रिटिश इन्वॉय थे हिंदुस्तान में, उनके बीच में एक बैठक हुई। उस बैठक की हमको ये जानकारी है कि बाकायदा मिनट्स रिकॉर्ड हुई। उस बैठक में श्रीमती सुषमा स्वराज ने औपचारिक तौर से मोदी सरकार की ओर से ललित मोदी की मदद का यूके की सरकार को अनुरोध किया था। उस बैठक की पूरी कार्यवाही जो विदेश मंत्रालय में मौजूद हैं उसे सार्वजनिक किया जाए। हमारी चौथी मांग ये है कि श्रीमती सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री ये बताएं देश के 125 करोड़ लोगों के कि उन्होंने कितनी बार देश के और कानून के भगोड़े ललित मोदी से टेलीफोन पर बात की थी। और हमारी पांचवी मांग ये भी है कि मोदी सरकार ने ललित मोदी की मदद के बारे यूके की सरकार को, चाहे वो विदेश मंत्री ने पत्र लिखा हो या मोदी सरकार के किसी और व्यक्ति ने लिखा हो, जो भी कागजात यूके की सरकार को लिखे हैं, चाहे ब्रिटिश एनवॉय के माध्यम से हों और चाहे वहाँ सीधे किसी को लिख कर दिए हों, उन्हें सार्वजनिक किया जाए।